पहले आईपीएल की फांस और अब फोन टैपिंग पर विपक्ष ने सरकार पर हल्ला बोल दिया है। हालांकि गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने किसी भी नेता का फोन टैप करने के तमाम आरोपों से इनकार किया, लेकिन विपक्ष जेपीसी की मांग कर रही है और इस जांच को जेपीसी के द्वारा ही कराना चाहती है। सरकार लेकिन इसके लिए तैयार नहीं है। फोन टैपिंग मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ एकजुट दिखा। ये तस्वीर लोकसभा की है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जैसे ही आडवाणी ने फोन टैपिंग मामले पर सरकार को घेरना चाहा, सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। आडवाणी ने कहा कि फोन टैपिंग का मामला बेहद गंभीर है और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नया कानून बनना चाहिए। फोन टैपिंग मामले पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी और वाम दलों समेत पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था। विपक्षी नेताओं की मांग थी कि ये गंभीर मसला है और जब तक प्रधानमंत्री इस पर बयान नहीं देते, वो सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। आई फील दैट दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली सीरियस एंड ऑन दिस नो वन एल्स बट वी वुड लाइक टू हियर द प्राइम मिनिस्टर। इस बीच विपक्ष के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित भी करनी पड़ी और शोर शराबे के बीच ही गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार की ओर से बयान दिया। After the issue of the magazine was available late Friday, April 23, 2010, the allegations in the story were thoroughly inquired into. Nothing has been found in the records of NPRO or elsewhere to substantiate the allegations. चिदम्बरम ने यह भी कहा कि अगर आगे ऐसे सबूत मिलते हैं तो पूरे मामले की जांच सक्षम एजेंसियों से कराई जाएगी, लेकिन गृहमंत्री के इस बयान से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं दिखे और उनका हंगामा जारी रहा, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने महंगाई और आईपीएल के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जो माहौल खड़ा किया था, फोन टैपिंग के मुद्दे के जरिए वो इसे और आगे बढ़ा रहा है। संदीप सोनवलकर के साथ आशीष जोशी, दिल्ली आज तक।